नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजे अकेडमिक्स पर। जैसा कि आपको पता है, हम फ्रिक्शन यानी घर्षण के क्वेश्चन कर रहे थे यहां पे, और इसी का हमारा जो है ये फोर्थ वीडियो है। बाकी की तीन वीडियोज आप अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें आपको, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ए यूनिफॉर्म लैडर, लैडर यहाँ पे सीडी होती है, ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ की हमें कोई सीडी दी हुई है, एंड वेट डब्ल्यू, जो सीडी हमें दी हुई है उसका वेट वजन कितना है, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। रेस्ट विद इट्स फुट ऑन द रफ रफ ग्राउंड। ठीक है, अपने फुट के साथ चलो साथ साथ डायग्राम भी बना लेते हैं हम। इसे मान लेते हैं यहाँ पे, और ये तो हमारे पास ग्राउंड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गई, वॉल हो गई। इसके यहाँ पे कुछ ये सीडी रखी हुई है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, और वेट डब्ल्यू है। तो आपको पता है वेट कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पे। यहाँ मान लेता हूँ मैं इसका जो डब्ल्यू जो है वेट, यहाँ पर लग रहा है, और कहाँ पर लगता है, बिल्कुल हाफ लेंथ पर। तो ये हिस्सा एल बाई टू बच गया, और ये हिस्सा भी मेरे पास क्या बच गया, एल बाई टू। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, रफ ग्राउंड, जो ग्राउंड है वो रफ है हमारे पास। अब ग्राउंड रफ है तो वहाँ पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा वो अभी देखेंगे हम। नॉर्मल तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा, यहाँ पे आर मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल एस मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे, म्यू इंटू आर, म्यू जा कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। अभी किस डायरेक्शन में लगेगा वो हम चेक करेंगे, मोशन किधर हो रहा है उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स जिधर भी मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट हमारे पास क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, इट्स अपर एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल, जो अपर एंड है वो, जो वॉल है वो स्मूथ है, तो यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। इनक्लिनेशन वर्ड थोड़ा सा आप देख लेना, टू द वर्टिकल, वर्टिकल ये लाइन होती है हमारे पास। ठीक है, वर्टिकल के साथ इसका जो है इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ अपने को, अल्फा दिया हुआ है। ए फोर्स पी इज अप्लाइड, एक फोर्स पी अप्लाई कर रहा है वो कहाँ पर, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग टू द लैडर एट ए पॉइंट सी डिस्टेंस फ्रॉम द फुट। फुट ये था, फुट से सी डिस्टेंस दूर, यहाँ पर मैं कोई सी डिस्टेंस दूर पर यह पॉइंट मान लेता हूँ, सी हो गया मेरे पास। यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, पी फोर्स लगा रहा है वो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में पी फोर्स लगा रहा है, कहाँ पर, यहाँ सी डी पर, आगे नहीं आएगा ये। ठीक है, ये तो मैंने बना दिया है, बाकी तो यहाँ पे लगेगा, और ये क्या है, पी फोर्स यहाँ पे लगेगा। चलिए, इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू द लैडर एट ए पॉइंट सी डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, सो एज टू मेक द फुट अप्रोचेज द वॉल। अभी दोनों साइड लग सकता था, ठीक है, पी बाई इस साइड बाहर भी लग सकता था सी डिस्टेंस पे और अंदर की साइड, लेकिन वो क्या कह रहा है कि फोर्स ऐसे लगाना है कि जो फुट है इसका जो नीचे का हिस्सा है वो दीवार की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो सीधी सी बात है फोर्स कहाँ से लग रहा होगा, इस डायरेक्शन से अंदर की साइड लग रहा होगा। अब ऑब्वियसली सी बात है सी डी अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो सी डी किधर मूव करेगी, यहाँ से। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, और अगर ये मोशन है तो यहाँ से सीडी ऊपर की साइड जाएगी भाई, ऐसे थी सीडी। ठीक है, जैसे आप इस पे यहाँ से फोर्स लगाओगे तो यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ अंदर की साइड आएगी, तो जो फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर होगा वो अपने पास इस डायरेक्शन में लगेगा बाहर की साइड। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है वो, प्रूव दैट पी मस्ट एक्सीड, पी को इससे ज़्यादा होना पड़ेगा जो भी क्वान्टिटी दी हुई है, वेयर म्यू इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, बिटवीन प्लेन एंड लैडर। ठीक है, प्लेन ये है अपने पास और लैडर ये, इनके बीच जो है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ये, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी समझ सकते हो आप, एक ही बात है, म्यू यहाँ पे अपने पास हो गया। चलिए अब ये बन गया आपके पास डायग्राम। ठीक है, ये तो आपके पास दीवार थी, यहाँ पे ये अपने पास जो है फर्श या प्लेन जो भी आप समझना चाहो वो था, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे एफ, ये ओ पॉइंट ओरिजिन यहाँ पे एक तरह से मान लेते हैं, ये पी हो गया ये मेरे पास, इसको मैं दे देता हूँ ई ना। चलिए ठीक है, और लिखना कैसे आपको, लेट ए बी बी ए लैडर ऑफ लेंथ
कितनी लेंथ थी एल एंड वेट क्या था इसका डब्ल्यू. ठीक है, ये फोर्स पी इज अप्लाइड एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम द फुट. और कैसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टली सच दैट. इस पॉइंट को मैं यहां पर नाम दे देता हूं कुछ, इसको एम नाम दे लेते हैं. ठीक है, ये हो गया और ये ए बी सी डी ई एफ अपने पास हो गया. चलिए, तो ये इस सच दैट अपने पास जो ए एम डिस्टेंस है वो कितना हो गया, सी हो गया. अब क्या कह रहा हो, इस फोर्स को, इस जो भी फोर्स ये दिया हुआ इससे ज़्यादा होना पड़ेगा. इसका मतलब क्या कह रहा हो कि अगर ये इसको हमें मूव करवाना है, ठीक है, ये सीडी रखी हुई है, आप इस पे इस साइड से क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो. कब तक मूव नहीं करेगी, जब तक इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके बराबर रहेगा. जैसे ही इसके फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा आप वहाँ पे जो है फोर्स लगाओगे तो ये क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी. यानी कि हमें लिमिटिंग केस निकालना है, मैक्सिमम कहाँ तक ये सहन कर सकती है, इसकी लिमिट क्या है. लिमिटिंग केस में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ अपने पास ये हो गया सच दैट ए एम बराबर सी एंड फ्रिक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पे. तो फोर्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोर्स इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट देखते हैं वो क्या होने. अगर रेस्ट की पोजीशन, लिमिटिंग केस में हम रेस्ट की पोजीशन पे बात कर रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. तो नीचे की साइड अपने पास कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वर्टिकली अगर मैं चेक करूँ तो नीचे की साइड एक डब्ल्यू फोर्स मेरे पास लग रहा है और ऊपर की साइड आर लग रहा है. तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से एक अपने पास आ जाएगा आर इक्वल्स टू डब्ल्यू. सेकेंड, हॉरिजॉन्टल अगर मैं डायरेक्शन में बात करना चाहूँ तो कौन कौन से फोर्स हैं, एक एस है अपने पास, एक पी है और एक म्यू आर है. ठीक है, एस और म्यू आर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं दोनों. ठीक है, और पी इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, पी इक्वल्स टू एस प्लस म्यू आर. ठीक है, इन दोनों से हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे यानी आर को एलिमिनेट कर देंगे. तो कैसे कर सकते हैं, P इक्वल्स टू S प्लस म्यू और ये हो जाएगा अपने पास W. ठीक है, P इक्वल्स टू S प्लस म्यू W. इनको आप चाहें तो साथ साथ जो है नोट भी कर सकते हैं तो बाद में हमारे जो है काम आएगा, क्योंकि यहाँ से बोर्ड से मैं रफ कर दूंगा तो समझ नहीं आएगा. ठीक है, ये अपने पास हो गया, एक हो गया R इक्वल्स टू W, एक हो गया P इक्वल्स टू S प्लस म्यू आर. ठीक है, ये अपने पास इक्वेशंस हो गए. चलिए, अब हम क्या लेंगे, पहले भी हमने लास्ट टाइम भी किया था, मूवमेंट लेंगे. ठीक है, फोर्स का मूवमेंट लेंगे, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं. तो A पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं क्या करता हूँ, मूवमेंट ले लेता हूँ. ठीक है, A पॉइंट ये था, इसके रेस्पेक्ट में टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए. ठीक है, फोर्स के मूवमेंट ले लेते हैं, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने पास. एक तो एस है, एक दूसरा डब्लू है वेट जो फोर्स लग रहा है, एक पी अपने पास लग रहा है और एक म्यू आर है और एक अपने पास आर है. ठीक है, तो मूवमेंट लेते टाइम हम क्या करते हैं, जो भी फोर्स हमें लेना है उसका इनटू उस फोर्स का जो एक्टिंग फोर्स है उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का ए से अगर हम देख रहे हैं तो ए से जिस, जैसे मैं पी फोर्स की बात करता हूँ. ठीक है, तो पी फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है तो इस लाइन से और ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ए ई, इससे हमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मूवमेंट हो जाएगा. अब डायरेक्शन क्या क्या रहेंगी वो अभी हम देखेंगे. तो पहले मैं देखता हूँ, जैसे यहाँ पे R और म्यू आर ये दोनों जो फोर्स हैं ये A पॉइंट से ही पास हो रहे हैं तो इनका डिस्टेंस कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे. ठीक है, डिस्टेंस
नहीं बचेगा अपने पास परपेंडिकुलर। अब बचे एस, डब्ल्यू और पी, पी और दूसरा क्या है डब्ल्यू और एक अपने पास एस, ठीक है। तीन फोर्स है, पी जो फोर्स है उसका ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी फोर्स कहाँ लग रहा है ये, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, यानी पी इंटू ए, पी इंटू ए। डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ लग रहा था ये वेट वाला फोर्स, तो इसका ए से डिस्टेंस ये हो गया ए एफ, ठीक है, डब्ल्यू इंटू ए एफ। एस, एस कहाँ लग रहा है यहाँ पर, तो इसको अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, यानी मैं इसी को देख लेता हूँ ओ बी, तो एस इंटू ओ बी। अब बात आती है साइन की, प्लस माइनस कौन से अपोजिट लगेंगे, क्योंकि इन सब का इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए अपने पास, प्लस माइनस करके हम अगर इनको ऐड करें तो जीरो बनना चाहिए, क्योंकि रेस्ट की पोजीशन पे है तो किसी भी फोर्स की वजह से कोई मोशन नहीं होना चाहिए। तो जीरो कैसे बनेगा, आप देखो एस हमारे पास, जैसे मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने लास्ट में बताया भी था, अगर नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियोज एक बार देख लो, वहाँ से अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एस जो फोर्स है, एस को ऐसे जाके और फिर ए पर आना पड़ेगा, यानी ये डायरेक्शन कौन सी होगी मेरे पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो मैंने बताया था क्लॉकवाइज में हम क्या ले लेंगे, प्लस साइन ले लेंगे, तो एस का हमारे पास हो गया प्लस साइन, ठीक है। सेकंड पी, पी ये था, ठीक है, तो पी को मैं जैसे यहाँ से मानता हूँ, इसी लाइन पे तो आ रहा है, पी को ए से जाने के लिए ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन है, पी से ए आने के लिए, यानी ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पर है, ठीक है, ये इधर, डब्ल्यू से इधर, तो ये भी डायरेक्शन कौन सी होगी मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको भी मैं क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे समझ में आना चाहिए, मेन जो समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में यही है, ठीक है। फोर्स का मूवमेंट लेना, तो कैसे लेते हैं फोर्स का मूवमेंट, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं जो एक्टिंग फोर्स की जो लाइन है उससे, तो वो हमने देख लिया पी का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी जो फोर्स लग रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ए ही हो जाएगा। डब्ल्यू का यहाँ से ए एफ हो जाएगा, और एस इसका हो जाएगा हमारे पास ये डिस्टेंस, जो कि क्या है, इक्वल्स टू ओ बी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आर और जो म्यू आर है अपने पास वो इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो उनका तो जीरो हो गया। अब इनके साइन से लेते हैं, जो जो क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है, अपने पास उसको तो हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं इसको, पी ए इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले जाता हूँ दोनों को, ठीक है, ये माइनस था तो ये मेरे पास, या पी को ही मैं उस साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एस इंटू ओ बी माइनस डब्ल्यू इंटू ए एफ इक्वल्स टू पी इंटू ए, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। एस ओ बी, ओ बी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब ये था ओ बी अपने पास यहाँ से यहाँ तक, टोटल ये क्या है एल, ठीक है, एल और एल का एल्फ एंगल, एल कोस एल्फा, ठीक है, इसी के साथ तो बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, एल कोस एल्फा और सामने वाली साइन होती है लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये है अपने पास टोटल लेंथ एल और ये है कोस एल्फा, तो यहाँ पे एस जो फोर्स है उसका हो जाएगा ओ बी जो है एल कोस एल्फा। चलिए माइनस डब्ल्यू ए एफ, ए एफ कौन सा डिस्टेंस था, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे एंगल, ये अगर अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा होगा भाई, दो पैरेलल लाइन है ये दोनों, ठीक है, एक लाइन इनको कट कर रही है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा निकालना है मुझे, ए एफ, ए एफ ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से यहाँ तक, एल बाई टू, एल बाई टू, ये तो क्या हो जाएगा एल बाई टू कोस एल्फा, और ये क्या हो जाएगा एल बाई टू साइन एल्फा, तो ये मेरे पास हो जाएगा एल बाई टू साइन एल्फा इक्वल्स टू पी। ए ई, ए ई कहाँ है मेरे पास, ये, ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालते हैं, ये और ये जेड बन रहा है आपके पास, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर होता है आर बी, ये भी परपेंडिकुलर है, तो जेड बन रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए ई, ये वाला, तो ये कितना डिस्टेंस था इस ट्राइंगल में, अगर मैं बात करूँ तो सी डिस्टेंस था मेरे पास, सी कोस अल्फा, ठीक है, इसके साथ क्या है कोस अल्फा, ये क्या होता है साइन अल्फा होता है, तो सी कोस अल्फा, ये मेरे पास हो जाएगा सी इंटू कोस अल्फा, ठीक है। अब देखिए एल बाई टू ये हो गया एस, एल कोस अल्फा, यहाँ पे हम एस की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, एस हमारे पास होता
तो ये हो जाएगा पी माइनस म्यू आर, ये हो जाएगा पी माइनस म्यू आर कोस अल्फा माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू साइन अल्फा, और पी ये हो गया मेरे पास पी इंटू सी, एक चीज़ यहाँ पे कुछ मिस हो रही है, हाँ एल पी इंटू यार एल कोस अल्फा, और ये हो गया सी कोस अल्फा। तो हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है वो टेन में है हमारे पास, ठीक है, उसमें टेन में आ रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है साइन कोस को अलग करके कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, अपने को अपॉन में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे नोट कर लेना ही साथ साथ, ठीक है, ताकि बाद में पूरा क्वेश्चन जैसे देखो तो समझ में आ जाए। ये क्या हो जाएगा मेरे पास पी एल कोस अल्फा और यहाँ पी सी कोस अल्फा, जब मैं इसको उधर लेके जाऊँगा तो पी कॉमन और सी माइनस एल और ये हो जाएगा कोस अल्फा, ठीक है, पी एल कोस अल्फा बनेगा, इधर पी सी कोस अल्फा, इधर लेके आऊँगा तो सी माइनस एल, ठीक है, ये हो गया, ये तो दूसरी उधर का हो गया अपने पास। इस साइड क्या बचेगा, एक तो माइनस म्यू आर एल कोस अल्फा, माइनस म्यू आर एल कोस अल्फा, और ये माइनस डब्ल्यू एल बाई टू साइन अल्फा, कोस अल्फा और बच रहा अपने पास, चलो देखेंगे इसको भी, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू साइन अल्फा, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसको देखो एक बार थोड़ा सा, यहाँ पे क्या था मेरे पास, ये L माइनस सी है और यहाँ मेरे पास C माइनस एल आ रहा है, तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा P L माइनस सी कोस अल्फा, माइनस मैंने कॉमन लिया दूसरी साइड, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, म्यू आर एल कोस अल्फा माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू साइन अल्फा, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब क्या कर सकते हैं, एल माइनस सी और एल इंटू डब्ल्यू, अपने को पी की वैल्यू निकालनी थी, पी की वैल्यू निकालनी थी तो ये कर सकते हैं, पी यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, कोस अल्फा लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो कोस अल्फा से क्या हो जाएगा मेरे पास म्यू आर, और एल भी मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने एल बाहर ले लिया, ठीक है, एल अपॉन और ये एल माइनस सी नीचे चला गया इसके, ठीक है, यहाँ से एल बाहर लिया, ये एल माइनस सी, अंदर क्या बच गया म्यू आर कोस अल्फा माइनस एल मैंने बाहर ले लिया था डब्ल्यू बाई टू साइन अल्फा, ठीक है, अपॉन ये कोस अल्फा भी तो जाएगा अपॉन कोस अल्फा, क्या हो गया एल अपॉन एल माइनस सी, यहाँ पे अपने पास हो गया ये जो है इसको माइनस डब्ल्यू बाई टू, यहाँ से इससे क्या कर सकते हैं वन, तो म्यू आर हो गया माइनस और ये हो गया डब्ल्यू बाई टू टेन अल्फा, ठीक है, अब देखो वैसा ही बन रहा है क्या कुछ, म्यू आर और डब्ल्यू अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो डब्ल्यू तो यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन कैसे आ सकता है, ये फर्स्ट आर इक्वल्स टू क्या था डब्ल्यू था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इसको, सॉरी म्यू को नहीं आर को डब्ल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है, तो डब्ल्यू अब मेरे पास क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास एल डब्ल्यू अपॉन एल माइनस सी और यहाँ पे म्यू माइनस वन बाई टू टेन अल्फा, ये प्रूफ करना था एल डब्ल्यू एल माइनस सी म्यू माइनस वन बाई टू टेन अल्फा, ठीक है, तो ये जो है हमें प्रूफ करना था। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है, आप भी साथ साथ जो है इनको प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए, और जो है चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।